हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं विदाउट बेल्ट की सलवार। इसमें बेल्ट नहीं लगती, जैसे हमारी सलवार है इसमें बेल्ट लगी है और इसमें हम बेल्ट नहीं लगाए। ये हमारी जो है बेल्ट वाली है, इसमें हम बेल्ट डालते हैं। इसका लुक आता है ऐसे आगे से, तो हम ऐसा नहीं बना रहे, हम इसको सीधा बना रहे हैं, एकदम सिंपल। तो पहला हम इसे मोरी का काटेंगे ये, और जो बाद का हमारा हिस्सा ये यहाँ से जुड़ता है, इसकी हम आगे से कलियाँ बनाएंगे अलग से, जो सिट की है यहाँ से सिट जुड़ेगी, ये हमारी अलग से बनेगी। तो हम इसका पहले क्या करेंगे, इसकी लंबाई लेंगे, जो भी इसकी लंबाई होगी वो लेंगे। मैं बना रही हूँ 41 इंच का, और इसमें 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा। पहले इसकी जो हमारी ये मोरी है इसकी 15 इंच है, तो हम इसका आधा लेंगे 7.5, और जो बाकी बचेगा हमारा 15 के बाद, जब मैं 7.5 बचा तो हमारे साथ टोटल हमारी जो वेस्ट है वो है 44, तो हम उसका जो बचा 15 इंच वो उसमें लेंगे, इसमें कली में। तो हमारा फिर वो बनेगी सिंपल सलवार, इसका लुक एकदम सिंपल आएगा ऐसे। ये हमारी बेल्ट वाली है, बेल्ट वाली नहीं बनाएंगे हम, सिंपल सलवार बनाएंगे। तो अब हम इसके बताते हैं आपको इसमें क्या करना है। काटेंगे ये मोरी का हिस्सा, ये मोरी जो है हमारी, इसकी जो चौड़ाई है, मैं बना रही हूँ 41 इंच लंबी सलवार। तो हमारे 41 इंच में क्या होगा, जो हमारी मोरी है ये हमारी हम 15 इंच है, तो हम इसमें 7.5 इंच का ये चौड़ाई लेंगे ऐसे, 7.5 प्लस आधा, ये हमारे 4 फोल्ड करेंगे हम, 1 2 3 4। अरे ये इधर से होगा डबल कपड़ा, क्योंकि ये दो तरफ से होगा ऐसे सिला जाएगा इधर से इधर, ये ऐसे। तो ये ऐसे हमारा होगा 8 इंच, और लंबाई है हमारी 41। पहले हम लगाएंगे यहाँ नेफे का, डेढ़ इंच हम लगाएंगे नेफे का ऐसे, और इसके बाद हम इसकी लेंगे लंबाई, ये हमारी होगी चौड़ाई ये नेफे की। अब यहां से लगाएंगे हम 41, ये आ गया हमारा 41, और जो हमारी वो है मोरी उसके अंदर अंदर कपड़ा लगा के सिलेंगे ऐसे। ये हमारी दो जो हमारी बनेगी साइड की मोरी की पट्टी, यहां से मोरी बनेगी, ये हमारी होगी मोरी तैयार। इसका हमारा ऐसे नेफा जोड़ देंगे। अब हम इसकी दूसरी, इसकी जो साइड में जुड़ी कली, उसका हम कपड़ा लेंगे। ये हमने 7.5 इंच की वो काटी, आधा प्लस करके 8 काटा, हमारा बचा आगे 14.5 इंच, 14.5 प्लस आधा, पूरे 15 इंच हो गया हमारे। ये हमने 15 इंच का नाप लगाया। फिर हमने 1.5 इंच लिया नेफे का, ये हमने नेफे का नहीं भूलना है, नेफा लेना जरूरी है। फिर हम लेंगे लंबाई, यहाँ से हम लंबाई लेंगे इसकी। लंबाई हमें इसे मोरी के ऊपर से जोड़ना है, तो इसको हम लंबाई लेंगे 40। इसमें हमने 41 लिया तो 40 लेंगे, क्योंकि एक सिलाई करके ये 40, ये हमने इसकी ली लंबाई। और इधर से हम लगाएंगे सीट का, पहले 1.5 इंच नेफे का छोड़ देंगे, फिर हमारी सीट है 15 इंच, ये हमारी सीट होगी 15 इंच यहाँ। तो इसको हम इसके ऐसे डॉट डॉट लगा के जोड़, ये हमारी दो कलियाँ बन जाएंगी। फिर इसको भी जितना बड़ा स्केल तो नहीं है, ये ऐसे इसमें रख के ऐसे तीछा जोड़ना ऐसे, इसको भी हम आराम से शांति से डॉट डॉट लगाएंगे पहले। ये हमारी दो कलियाँ, ये दो कलियाँ इधर बनेंगी और दो कलियाँ हमारी उधर बनेंगी। पहले हम ये दो कलियाँ काट लेंगे, कैंची को दबा के चलाना है जिससे कि इसमें रेशे ना आवे। सिंपल सलवार में मियानी जरूर डलेगी, क्योंकि उसमें चौड़ाई के लिए नीचे ये हमारी कोटी। अब दो कली हम इधर से काटेंगे, अब इन्हीं कलियों को हम ऐसे रख लेंगे और इसको हम काट लेंगे, अलग से निशान नहीं लगाएंगे, अलग से निशान लगाएंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ये दो कलियों को हम इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे, यस, और इसको हम ऐसे इसी पे निशान लगाएंगे। अब इसको
हमारी चार कली जुड़ गई। अब हम बताते हैं इसको कैसे सिलना है। यह देखो, ये हमारी जो कली काटी थी ये इधर मोरी वाली ऊपर से जुड़ेगी और ये हमारे बीच की चार कली है। अब यहाँ पे 3 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी म्याने डालेंगे, वो हम जब सिलेंगे तब हम काट के डालेंगे। पहले हम ये पार्ट जोड़ेंगे इसका, इसके साथ दो हर एक के साथ एक एक कली, ऐसे दोनों कली को जोड़ेंगे। जैसे बाद में ये नेफा बनाएंगे और फिर बाद में सिलाई करेंगे, उसके बाद हमारी सलवार की मोरी हम लास्ट में बनाएंगे। ऐसे हमारी सलवार की सिलाई हो जाएगी। ये सिंपल सलवार है, हमने जो काटी सलवार सिंपल। अब हम इसको सिलना बताते हैं। जो नए लोग हैं उन जिनको नहीं बिल्कुल सिलना आता तो वो पहले ऑल पिन लगा लें। जैसे कि हमने एक ही मोरी वाला कपड़ा रखा और एक ही हमने कली रखी, सीधा अंदर रखेंगे इसका भी और इसका भी। पहले हम इसको जहाँ में सिलाई देनी है वो जगह छोड़ के तब ऑल पिन लगानी है, क्योंकि नहीं तो ऑल पिन फिर बीच में अड़ेगी और जिनको आता है वो डायरेक्ट सिल सकते हैं। जैसे कि हमें सिलाई यहाँ देनी है तो हम यहाँ इसके इधर ऑल पिन लगाएंगे, इधर ऐसे ऑल पिन लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे लगाएंगे तो हमें सिलने में आराम रहेगा। फिर बाद जो हमें सिलाई है वो छोड़ के एक को तो हमने लगा दिया कली को, ये हमारे मोरी वाला पहुंचा, एक हमने इसमें कली जोड़ दी। अब ये दूसरी कली जोड़ेंगे इसमें, और हमने इसकी सिलाई का रखा था 1/2 इंच, तो हमें वो 1/2 इंच सिलाई का छोड़ के तब ऑल पिन लगानी है। ऐसे इसका भी हम सीधा इससे अंदर रखेंगे, उल्टे में लगाएंगे ऐसे। तो हमने ये 1/2 इंच इसका सिलाई का छोड़ दिया और ये यहाँ पे ऑल पिन लगा दिया ऐसे। कम से कम 6-6 इंच की दूरी पर रखेंगे जिससे कपड़ा तो हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसे, और जिसे आता है वो अलग से अपना डायरेक्ट भी कर सकता है। ये हो गया हमारा। अब ये देखो ऐसे ही हमारे खोल के बताती हूँ मैं आपको, ये हो गया हमारा एक पहुंचा तैयार। हम इसको ऐसे करेंगे सीधा तो ये हमारा ऐसे दिखेगा, और इसको जब मोड़ेंगे तो ये हमारा ऐसे दिखेगा। ये देखो हमारा एक पहुंचा हो गया तैयार, ये हमारी मोरी का और ये हमारी जोड़ी दोनों कलियां। आपको मैं बता दूं, हमने यहाँ पे जो है आपको जब हमने काटा तब बताया था कि मैंने 15 इंच लिया। ये मोरी का तो उतना ही लेना जितनी जिसकी मोरी चाहिए, 12-15 जितनी चाहिए उतनी मोरी का लेना है। ये जो लेना ये 15 इंच, जो किसी को कम चाहिए, जैसे कि मेरा तो ऑपरेशन हो रखा है तो मैंने इसे ज़्यादा लिया, मुझे ढीला चाहिए थोड़ा, तो आप 10 इंच ले सकते हो इसको। और जो किसका नीचे की बॉडी हैवी है वो इतना ही चाहिए, और जिसको कम चाहिए तो उसको 10 इंच कर सकते हैं। हाँ, शिप अपने हिसाब से लेनी है, क्योंकि ना मेरी शिप 45 है इसलिए उसका 1/3 लिया 15 इंच। आपको कमर से 7 इंच नीचे अपने राउंड के तरफ नाप के, तब राउंड में पूरा 1 इंच चिमटे घुमा के जो सीट बैठेगी उसका 1/3 लेना है इसको,
वन थर्ड बिल्कुल सही बैठता है उसकी लंबाई उसकी। ऐसे करके हमारा ये पोंचा तैयार हो गया। देखो ये हमारे पोंचा तैयार हो गया। अब हम दूसरे पोंचे की ऐसे ही ऑल पिन लगाएंगे और फिर उसके बाद में हम सिलाई करेंगे। देखो हमने ऑल पिन लगा के पोंचा तैयार करा। ये हमारा पोंचा हो गया रेडी। इसकी मैं सिलाई करके बताऊंगी और इसके बाद दूसरा इसी तरह दूसरा तैयार हो जाएगा। इसको हम जो ऑल पिन वाली साइड है ये ऑल पिन वाली साइड है इसे हम ऊपर रखेंगे ऐसे ऐसे। देखो ये हमने इधर से ये ऑल पिन है ये ऑल पिन की साइड से हम ऐसे हम सिलाई मारें। हमने आधा इंच की सिलाई बोली थी जो आधा इंच की सिलाई हम इसमें लेंगे। इधर ऑल पिन साइड से हम इधर ही ये ऑल पिन साइड से हम ऊपर रखेंगे और इसको आधा इंच की हमने सिलाई बोली जो हम आधा इंच की सिलाई लेंगे। आपको अगर ऑल पिन अड़ रहे हैं तो सिलाई मारते जाओ और निकालते जाओ ऐसे। सिलाई मार ली और फिर इसको हम इसको ऑल पिन को यहाँ से निकालते जाएंगे। ऐसे हमारी ये सिलाई पूरी करनी है हमको। दोनों दोनों कलियाँ हमको इसके साथ सिलनी है। शांति शांति से सिलनी, जल्दी जल्दी नहीं सिलनी। जो पहली बार सिल रहे हैं उनके लिए एकदम से अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो उनसे सिलना आ जाएगा। अगर कुछ कंप्लेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हो गया हमारा एक साइड का। तो अब हम इसकी ऑल पिन निकाल देंगे सारी ऐसे कि बाद में भूल गए कुछ हो गया तो कपड़े में सिलाई में अंदर रह जाएंगे। ऐसे हम इसकी ऑल पिन निकालते हैं। अब हम इसका दूसरा हिस्सा तैयार करेंगे दूसरी तरफ से ये वाला। ये दूसरा कौन दूसरी कली हम जोड़ रहे हैं इसके साथ। ऑल पिन लगाने से ये फायदा है कि सिलाई इधर उधर नहीं भागती, इसमें प्रॉपर सिलाई आएगी। ये हमारे दोनों पोंचे हो गए तैयार। सलवार का लुक ऐसा आएगा, सिंपल सलवार का लुक होगा। एक पंजाबी सलवार की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। आप अगर पंजाबी सलवार बनाना चाहते हैं उसे भी बना सकते हैं।
अब हम इसको, ये सिंपल सलवार को हम यहाँ से पहले एक साइड से जोड़ेंगे, जो हमारे बीच का हिस्सा है इसको हम एक साइड से जोड़ेंगे। पहले एक साइड से जोड़ने के बाद फिर नेफा बनाएंगे, ये ऐसे यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे और से। इसमें भी आधा इंच की सिलाई छोड़ के तब बॉल पेन लगानी है। ये हमारे एक साइड जुड़ गई, अब इसको सिलाई मार देंगे, फिर हम इसका यहाँ से नेफा बनाएंगे। नेफे में क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से इसकी ऐसे तिरछी करके, ऐसा तिरछा करके ऐसे इसकी वो बनाएंगे, जैसे कि हमारा नाड़ा डले, ये हमारा नाड़ा डालने का है, ये हम तिरछा बनाएंगे तभी तो ऐसे बन के ऐसे आएगा ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे, ये हमारा नाड़े का हो गया। ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे, पहले हम इसको ऐसे तीछा मोड़ेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा अंदर लेंगे क्योंकि खुला हिस्सा रहेगा तो फटावा दिखेगा, ऐसे ये तीछा हो गया। फिर इसको यहाँ से पहले कच्चा मार लो, सिलाई से है तो हाथ से मार लो या मशीन से मोटा डोरा डलता है उससे मार लो, फिर उसको ऐसे करके यहाँ जोड़ो, यहाँ तीछा आएगा तो ये नाड़ा डालने का हो जाएगा इधर से, जैसे पूरे में इसकी सिलाई मारेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी सिलाई मार लें फिर उसके बाद इसकी सिलाई लगेगी। हमने दोनों पहुँचे आपको बना के दिखा दिए, ऐसे बने। अब जो हमारे दो सीट के हिस्से थे, एक बैक का और एक फ्रंट का, जो है हम बैक वाला पीछे वाला हम ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले पहले हम नाड़े को बनाएंगे, ऐसे हम पीछे वाले हिस्से को दोनों मिला के ज्वाइंट करेंगे। आधा आधा इंच सिलाई लेनी है, अभी मैं बताऊंगी इसको सिलाई को कैसे दबाना है। ये देखो, ये जो हमारी सिलाई होगी, अब हम इस सिलाई को ऐसे यूं दबा के फ्रंट साइड से लगाएंगे तो ये हमारी सिलाई दब जाएगी। ऊपर ही में लगाना है, सारे में नहीं लगाना है, ये सिर्फ सीट की सिलाइयों में लगाना है। ये हमने जो सीट की सिलाई करी पूरी, तो हमें इसको बाहर से दबाने के लिए इसको कपड़े को ऐसे रखना है अंदर, और फिर इसको ऐसे रखना है, फिर इसी सिलाई जा रही है, ये सिलाई इसके ऊपर सिलाई मारनी है, तो इससे हमारा कपड़ा भी दब जाएगा और डबल सिलाई भी हो जाएगी, क्योंकि सीट पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए इसके हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब जो फर्स्ट टाइम सिल रहे हैं वो थोड़ा आराम आराम से लगाएं, ऐसे आराम आराम सिर्फ सिलाई के ऊपर, ये डबल सिलाई भी हो जाएगी और एक अंदर की जो सिलाई है वो भी दब जाएगी, क्योंकि तो हमारा बैक साइड का जो होता है या फ्रंट साइड का उसी पर हमारा जोर पड़ता है, सिलकर बीच बीच में देखते रहने का कपड़ा इधर साइड रख लो ऐसे। अब हम इसको निकाल लेंगे, अब करेंगे हम नेफे वाले साइड से तैयार, जो हमने आपको नेफा बताया था ऐसे। ये देखो, अब हम ये सीट का हमारा फ्रंट हिस्सा है, इसमें हम पहले ये ऐसे तीछा मोड़ेंगे, इस तीछा जो मोड़ेंगे इसके अंदर ही थोड़ा सा अंदर मोड़े ऐसे, पहले ऐसे थोड़ा एक सिलाई फिर एक दूसरा ऐसे कोण, तो ये हमारा तिरछा हो जाएगा, इसमें नाड़ा के डालने के लिए बनेगा, तो हम इसको सिलाई लगा देंगे। ऐसा ही हम दूसरी साइड से भी करेंगे, फ्रंट का ये एक हिस्सा अगले वाला ये है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे,
ऐसे एक बार ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारे दोनों हिस्से हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टाइम सिल रहा है उसको एकदम से ये मोड़ना नहीं आएगा, तो इसको पहले हम यहाँ से, मशीन में ही मोटा डोरा होता है, अगर उसको इसके इधर के पहिए को हम ऊंचा कर दें तो ये हमारा मोटा डोरा हो जाता है। ये ऐसे करके हम इसको यहाँ से छोटा सा, मतलब 2-3 सेंटीमीटर जितना ऐसा, ये बल्कि 1 सेंटीमीटर जितना ही, क्योंकि हम सिंगल मोड़ेंगे तो आराम से मोड़ने में आ जाएगा। हमने नेफे के ये दोनों साइड का मोड़ लिया था, अब हमें इसको ये किनारे, छोटी किनारी मोड़नी 1 सेंटीमीटर जितनी, मशीन में हर मशीन में होता है ये ऐसा, तो नीचे करते हैं तो बारीक होता चला जाता है। इसको हम अगर ऊंचा कर दें यहाँ एफ के ऊपर और फिर इसको हम टाइट कर दें तो ये हमारा मोटा डोरा आता है, बिल्कुल ऊपर ला के ये हमारा मोटा डोरा आएगा, देख एकदम से मोटा डोरा, ये कितना मोटा मोटा आएगा, ये कच्चा डोरा जिसको बोलते हैं ऐसा आ जाएगा। इसको मैं से इसको सिलाई को भी ऐसे दबाने का, यहाँ तब लेने का, ये देख हमने पहले नेफा मोड़ने के हिसाब से तीछा मोड़ा था, अब हमने मोटा डोरा डाल के करके मशीन का ऐसे अंदर मोड़ने के हिसाब से किया। अब हम इसको ऐसे मोड़ के नेफा बनाएंगे, ऐसे हमने 1.5 इंच रखा था, 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला गया और 1 इंच का हम ऐसे नेफा मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे सीधा रखने का, ऐसे ऐसे सीधा रखने का उसके। और आपको कोई क्वेरी हो, कुछ हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कर सकते हैं। खींचना नहीं है, आराम आराम से सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी और ऐसे आराम आराम से बनाना है। हमारी ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये बैक साइड का जोड़ दिया था, अब इसको हम फ्रंट साइड वाले को जोड़ेंगे और ये हमने नेफा मोड़ दिया ऐसे। अब ये फ्रंट वाला जोड़ने के बाद हम मोहरी बनाएंगे और मोहरी के बाद हमारी ये बीच की सिलाई होगी, ठीक है, ये हमारी ऐसे हमारी सलवार बनेगी। ये देख ये हमने जो नेफा बनाया इधर से बनाया और इधर से भी, तो हम इस कपड़े की सिलाई ऐसे करेंगे, यहाँ से तो लेंगे इतना और ये फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे लेंगे सीधा, क्योंकि हमें नेफे की जगह छोड़नी है नाड़ा डालने के लिए, तो इसको हम पहले यहाँ से लेंगे इधर से सिलाई, पहले एक बार ली फिर कपड़े को थोड़ा आगे किया वापस और फिर दबाया, तो यहाँ पे होगी हमारी डबल सिलाई। फिर हम इस कपड़े को ऐसे पकड़ के, ये इसका खुला हिस्सा है जो, ये देख ये इसका एक खुला हिस्सा है, ये नेफे का, ये हम छोड़ देंगे, ये रहा ये नेफे का जो नाड़ा डालने का, ये खुला सा है छोड़ देंगे, इसके आगे से सिलाई लेंगे। ऐसे में इसको फ्रंट रोड, ये हमारा हो गया खुला हिस्सा, यहाँ से नाड़ा डालने की जगह हो गया हमारी इसमें। इसने भी ऐसे एक सिलाई ऐसे लेके और एक सिलाई ऊपर से मारेंगे जैसे हमने बैक साइड में लगाई थी। ये हमारी सलवार तैयार होगी, दोनों पहुंचे हमारे तैयार हो गए, अब ये बीच का भी हो गया तैयार, अब हम इसके
यहाँ से नीचे से ये मोरी की सिलाई करेंगे, मोरी में नीचे कपड़ा लगा के फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारे मैंने 2.5 इंच चौड़ी, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई का और 2 इंच की हमने मोरी के हिसाब से 2.5 इंच ये और 15 इंच लंबी, क्योंकि हमारी जो मोरी है वो है 15 इंच लंबी गोलाई में ऐसे, ये हमने 15 इंच की थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे सिलाई के हिसाब से 15.5 ऐसे, ये हमने इसकी मोरी का काटा है। 2.5 इंच चौड़ी और 15 इंच 15.5 लिया, आधा इंच थोड़ा ज़्यादा होगी तो चलिए। अब इसमें ऐसे रख के इसको इसमें सिलाई करनी है ऐसे, यहाँ से ये ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई करनी है इसकी चारों तरफ ऐसे, इसकी सिलाई करनी है हमें। ऐसे हमारी ये पोंछा तैयार हो जाएगा, इस फिर इसमें डिजाइन डाल देंगे। ऐसे भी इसमें कपड़ा जोड़ेंगे, जिसे थोड़ी मोटी मोरी चाहिए मतलब हैवी चाहिए तो बुकरम भी डाल सकते हैं अंदर, लेकिन मैं बिना बुकरम के पहनती हूँ तो इसलिए मैंने बिना बुकरम की ही बनाई है इसको। ये हमारी होगी, अब हम इसको क्या करेंगे, ये सिलाई है हमारी, इसको अंदर साइड रखेंगे ऐसे, ये अंदर रख दी अंदर, अब इसके इस पे सिलाई पे मारेंगे। इसकी सिलाई आ जाएगी जब इसको अंदर रखेंगे ऐसे बाहर ही मोरी की तरफ इधर, तो ये सिलाई आ जाएगी, ये सिलाई भी दब मोरी भी दब जाएगी और इसमें हमें सिलाई करना भी इजी हो जाएगा, जब हम मोरी बनाएंगे तो ये इजी हो जाएगा। सिलाई इधर रखें यस, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें मोड़नी है तो इसको हम आधा इंच ऐसे लेके इक्वल ऐसे, छोटा बड़ा हो रहा होगा तो कपड़ा अंदर चला जाएगा एक्स्ट्रा, ये इक्वल रखना है ऐसे, इसके ऊपर सिलाई मारेंगे जैसे अंदर मोड़ लेंगे और फिर इसके ऐसे प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा, तो कपड़ा एक जैसा हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा कपड़ा वो अंदर चला जाएगा और इस सीधी लाइन एक लाइन खींचे। अभी देखो यहाँ पे पीछे ही तेरा, यहाँ पे कम चौड़ा आ रहा है, तो इस कपड़े को थोड़ा बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ये बराबर हो जाएगा इसकी चौड़ाई, ये पीछे चौड़ाई ज़्यादा आ रही थी यहाँ कम हो रही थी, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे और ऊपर से लगाएंगे सिलाई, अंदर से नहीं, अंदर से तो पता ही नहीं पड़ेगा इक्वल है कि नहीं। ये हो गया, अब इसको पोंछे को ऐसे यहाँ से यूं मोड़ दें इधर से, ये हमारा पोंछा ऐसे अंदर ले लेंगे ऐसे, ये जो हमारी सिलाई है ये ऐसे आ जाएगी यहाँ, और इसको हम यहाँ से सिलाई मार देंगे इधर से, ये इधर से ये हमारी सिलाई लगाएंगे इधर से, तो ये हमारी मोरी की तैयार होगी। इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे, ये हो जाएगा इसको, ये मैं पोंछा बनाना जो फर्स्ट टाइम बहने बना रही है उनके लिए क्या है, ये किनारे है, इस किनारे से ऐसे ऐसे नाप के लाइनें खींच लेने का डॉट डॉट, तो सीधी सिलाई आएगी, कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि कितनी लाइनें डालनी है ये, फिर इसकी आधा इंच पे छोड़ के फिर वापस इतनी डॉट पर लाइन खींचना। इनमें हमें सिलाई लगानी है, तो ये हमारा पहुंचा तैयार हो जाएगा यस।
एक एक सेंटीमीटर का गैप आएगा, बस एक से थोड़ा कमी आएगा पोना ये, अब एक और बची है ये। ऐसे करके हमारी ये एक दो, एक तो लग चुकी, दो तीन चार पाँच छः, छः लाइन बनेगी, यानी पांच लाइन हमें इसमें खींचनी है, एक दो तीन चार पांच लाइन बनानी है हमें इसे। ये पांचों पे हमें सिलाई मारेंगे, इसे हमारा पोंछा तैयार हो जाएगा, फिर हम इसको ऐसे सिल देंगे। यहाँ से पहले हम लेंगे सीधी सिलाई, यहाँ से सीधी, यहाँ आने के बाद हम इसको करेंगे यूँ टेढ़ी। पोंछे में तो हम पहले सीधी, जितनी हमें मोरी चाहिए 15 इंच, उसको हम निशान लगा लेंगे ऐसे, 15 का आधा हो जाएगा 7.5, तो हमारा 7.5 इंच यहाँ आएगा। इसके बाद जो हम आएंगे सीधी सिलाई, ये हम करेंगे यहाँ से सीधी ऐसे, फिर सीधी के बाद यहाँ तक ये सिलाई आ रही ना, यहाँ तक सीधी करनी है, और फिर इसके बाद हमें करना है यहाँ से टेढ़ा, ऐसे ऐसे टेढ़ा, जो टेढ़ी है टेढ़ा, उसमें आधा इंच सिलाई लेनी है, ऐसे करके हमारा पोंछा तैयार हो जाएगा। जो हमने चौक से लाइनें ड्रॉ करी थी पाँच, एक दो तीन चार होगी, और हमारी ये पाँच होगी, एक दो तीन चार पाँच, और ये हम छठी ड्रॉ करेंगे, ये छोटी, इसमें हमारे ये पोंछा तैयार हो जाएगा। मैंने जो पंजाबी सलवार यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसमें मैंने डिज़ाइन डाला था, इसे मैंने उन बहनों के लिए बनाई है सलवार सिंपल, जो पहली बार बना रहे हैं उनके लिए भी सीधी बनानी है, सलवार सीधी सीधी लाइनें डालनी है, ऐसे हो गया हमारा पोंछा तैयार। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाना बताते हैं आपको। ये ऐसे पोंछा मोड़ा ऐसे, पहले हम इसकी सीधी सिलाई करेंगे ऐसे, ये हमने इसकी पहले सीधी सिलाई करेंगे ऐसे, यहाँ से सीधी एकदम से ये रखा है, इसकी हम सीधी सिलाई करेंगे। पहले आगे लेंगे, डबल सिलाई करनी है इसलिए थोड़ा सा एक बार निकाल के फिर वापस लगाएंगे, तो ये हमारी डबल ही पे सिलाई हो जाएगी इसकी। यहाँ तक तो हम सीधी सिलाई करेंगे, और यहाँ से लेंगे हम तिरछी ऐसे, यूँ घुमा लेंगे इसको, उठा के सुई को ऐसे यूँ, पहले हम सीधी ला रहे थे, इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे यहाँ से, यहाँ तिरछी करेंगे ऐसे। अब हम लेंगे आधा इंच सिलाई कम से कम, जो भी सिलाई आएगी हमारी आधा इंच से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सलवार जल्दी खराब हो जाती है। ये पूरी करते करते हम लास्ट पहुँचे तक आ जाए, खींचना नहीं है क्योंकि इसमें वो कली है, ये टेढ़ी कटी है, खींचेंगे तो छोटी बड़ी हो जाएगी। ये हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है, ये मैंने सिंपल सलवार बनाई, इसकी मोरी में मैंने सिंपल सीधी लाइनें डाली हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहा उसके लिए बेस्ट है। और अगर आपको डिजाइन सीखना है तो मेरी पंजाबी सलवार यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, उस पर आप जाके मोरी की डिजाइन सीख सकते हैं। ये सलवार उनके लिए जिनके लोअर हाफ हैवी है या फिर ढीला पसंद पहनना पसंद करते हैं। ये मैंने कॉटन बेस्ड कपड़ा लिया है, प्योर कॉटन, आप इसमें लैक्रा कॉटन पॉपलिन इसमें ले सकते हैं, ये 2.25 मीटर में बनती है। और अगर आपको कोई और दूसरी क्वेरी हो, सीखनी हो, कुछ बात को मन नया कर कुछ वीडियो लेके आए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, और कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट लिखें।